जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश तो करते हैं, परंतु कई बार ऐसी विपत्तियां आन पड़ती हैं कि जो हमारे ही द्वारा पैदा की हुई होती हैं। अब जैसे कि किसी को पैसे दे देना, अब पैसे दे तो दिए, आपने उस पर रहम किया, आपने उनका काम निकाला, लेकिन वह काम निकालना आपको महंगा पड़ जाता है। और यह वीडियो मैंने पहले भी एक बार बनाया था कि लक्ष्मी जी कब नाराज होती हैं। जब लक्ष्मी जी आपके पास आती हैं, आपके द्वार के अंदर प्रवेश करती हैं, परंतु आप उस लक्ष्मी को संभाल कर रख नहीं पाते, उसका रख रखाव ठीक से नहीं करते और ऐसे व्यक्ति को सौंप देते हैं जहां से पैसे लौट कर नहीं आते। और जब पैसे लौट कर नहीं आते तो आपको पैसों का वो नुकसान तो होता ही होता है, आपके पास आगे से भी फिर दोबारा लक्ष्मी आनी बंद हो जाती है, आपका कार्य भी रुक जाता है, ऐसे में बड़ी परेशानी होती है आपको। तो आज मैं जो आपको मंत्र बताऊंगा कि अपना कार्य निकालने के लिए यदि आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे और इस प्रयोग को कर लेंगे तो आपके पैसे अवश्य लौट करके आने लगेंगे। अब बहुत से प्रेमी हमसे इस बारे में पूछते हैं कि कोई ऐसा मंत्र बताइए। दोस्तों, पांच देव हुआ करते हैं, श्री गणेश जी, माँ दुर्गा, वायु, आकाश और अश्विनी कुमार, ये पंच लोकपाल कहलाते हैं। लोकपाल के बारे में तो आप समझ गए कि लोगों की पालना करना ही इनका मुख्य कर्तव्य है। पंच लोकपाल में ये अपना अपना रोल अदा करते हैं, जिनमें आकाश का जो अपना कार्य है, आकाश का गुण है शब्द और ये ध्वनि का संदेश वाहक है। यह आप जो आकाश को अपनी अर्जी लगा करके, आकाश देव को प्रणाम करके अपनी अर्जी लगाते हैं, तो आपका जो संदेश है वह उसकी बुद्धि को घर बैठे ही बदलने लग जाएगा। अब उसकी बुद्धि धीरे धीरे करके बदलेगी तो आपके पैसे लौट करके आने लगेंगे। आकाश का अब मैं जो मंत्र बताऊंगा आपको, तो आपने करना कैसे है, जब भी आप किसी से पैसे मांगने के लिए जाएं तो अपनी दो इलायची अपने साथ रख लें। घर से जब बाहर निकलते हैं तो बस आपने दो इलायची अपने पास में रखनी है, और घर से बाहर निकलते ही, चाहे कुछ दूरी पे, चाहे घर से बाहर निकलते ही आपने इस मंत्र को पढ़ना है। ओम शब्द गुणम अनाकारम ध्वनि संदेशम वाहकम नमामि देवम आकाशम सकल कार्ये कुरु शुभम। इतना बोलने के बाद अपनी जो दो इलायची हाथ में है उनको ऊपर उछाल दें, तेज उछाल दें, कम उछाल दें, अपने से ऊपर चली जाएं और वो कहीं भी गिर जाएं, आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब आप जाएंगे तो आपका कार्य जरूर बने। एक ही बार बोल देना बस मंत्र। अब कई बार ऐसा होता है कि एक बार में आप जाते हैं, काम नहीं बनता है, अगली बार फिर प्रयास करना, समय थोड़ा लग जाता है दोस्तों, क्योंकि ये पैसे का फंसना एक ऐसा है कि पैसा स्वयं ही दूसरे की बुद्धि को बदल देता है और वह स्वयं झगड़ालू प्रवृत्ति का हो जाता है। तो कार्य अवश्य बनेगा, पर धीरे धीरे करके आपका यह प्रयोग सफल होने लग जाएगा। और अब आप जाते नहीं हैं तो फोन पे ही बात करते हुए, पहले फोन पे बात करें तो उससे पहले
आप घर से बाहर निकलें, इसी प्रकार से मंत्र पढ़ें, दो इलायची ऊपर डाल दें, फेंक दें ऊपर, गिर जाने दो कहीं पे भी, और फोन पे फिर बातें करें। कभी उग्र रूप में तो बातें नहीं करनी है, आपने मीठी बातें ही करनी है, धीरे धीरे करके अपना काम निकालना है। पर दोस्तों, इस विधि को चालू रखना, जब भी वो कहें इसी प्रकार से अपना कार्य करके और फिर जाना, पैसे वापस आने लग जाएंगे दोस्तों। बड़ा अच्छा प्रयोग है, कर लेना, अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों को बता देना। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें, शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।